ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षा कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार अतिरिक्त विषय का परिणाम 30 जुलाई को घोषित किया गया है। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में परीक्षा परिणामों की आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार अतिरिक्त विषय की पूरक परीक्षा का आयोजन जुलाई माह तथा परीक्षा का परिणाम जुलाई माह की 30 तारीख को घोषित कर 15 दिनों में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। दसवीं कक्षा में 20,562 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी, जिसमें से 9,746 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशत 47.40 रही। 8,198 परीक्षार्थी दोबारा कंपार्टमेंट रही। लड़कों का पास प्रतिशत 48.44 और लड़कियों का पास प्रतिशत 45.96 रहा। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में 58,693 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 28,832 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशत 49.12% रही। इसमें लड़कियों की पास प्रतिशत 51.50% और लड़कों की 47.81% रही। हाँ, बोर्ड नियम अनुसार 3 दिन में मार्किंग कराई गई 19, 20, 21 को, और 3 दिन में भी हम 2 फर्मों से अलग अलग अवार्ड स्कैन करवाते हैं, उन दोनों के मिसमैच के मिलाए गए, और मिसमैच करने के बाद उनको ठीक करने के बाद मिसमैच को फिर एक चौथी फर्म को दिया गया, उससे कंपैरिजन कराया गया, ये रिजल्ट दोनों दिया ठीक है गलत है। सिस्टम हाईटेक का विषय भी नहीं है, सिस्टम के परीक्षा लेट होती है सितंबर में, अभी भी ओपन के विद्यार्थियों की परीक्षा सितंबर में ही होगी। इनकी हमने सीबीएसई के अनुसार जैसे जल्दी लेते हैं, ताकि किन्हीं विद्यार्थियों जो एक विषय में कंपार्टमेंट आया है वो कहीं एडमिशन ले सकें। कल 31 जुलाई आईटीआई और पॉलिटेक्निक में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इस कारण से हमने 31 की बजाय 30 तारीख को रिजल्ट घोषित किया, ताकि बालक जो आज रात को या कल अपना फॉर्म भर सकें।